दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा इस जैसा रास्ते पे जब आप चलोगे, मतलब शहर के अंदर से जो रास्ता है, जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखते हुए गाड़ी को चलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो चीज़ देखो, मेरे यहाँ से एक गाड़ी अभी लेफ्ट में टर्न लिया, मतलब यहाँ से एक बाई लेन है। तो जब भी आप इस तरह का बाई लेन को क्रॉस करोगे एक बार हॉर्न बजा लो, ठीक है। तो अपना लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड एक बार आँख घुमा के देख लेना जरूरी है। साथ में आपका जो मिरर है, ठीक है, ये सब मिरर को भी आपको चेक कर लेना है। देखो सामने मेरा एक बाइक जा रहा है, बहुत ही धीरे जा रहा है, तो मैं उसको तब पर भी एक बार हॉर्न बजाया, उसको अलर्ट कर दिया जो भाई मैं क्रॉस करने वाला हूँ। देखो आगे फिर से एक इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ से चार रास्ता है, मतलब चारों तरफ से गाड़ी आ सकता है। तो आपको गाड़ी थोड़ा सा पहले धीरे कर लेना है, फिर जाके गाड़ी को अपना बढ़ाना है। जब भी आप शहर में गाड़ी चलाओ, जो गाड़ी का जो स्पीड है वो मोटा मोटी आप 40 के अंदर रखना, मेरे को लगता है जो सही होगा। क्योंकि आपको इस तरह से गाड़ी को चलाना है कि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, देखो उधर से एक साइकिल आ रहा था अचानक से, मैं क्या किया, मैं गाड़ी को मतलब तुरंत ब्रेक दबा के गाड़ी को मैं कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो आगे और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है, आगे वाला सामने जो गाड़ी आपका चल रहा है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस आप हमेशा बना के रखो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी कारण से वो अचानक रुक गया तो आपको भी ब्रेकिंग का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। देखो यहाँ से मैं एक इंडिकेटर जलाया, क्योंकि यहाँ से जो छोटा सा जो बाइलेन है वहाँ मेरे को घुसाना है, सादा वाला गाड़ी जहाँ से घुस रहा है मैं भी यहीं से घुसा रहा हूँ। सामने वाला गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एक बार मैं हॉर्न बजाया, देखो दोनों एक तो रास्ता छोटा सा है, उसमें से दोनों तरफ गाड़ी का पार्क है, तो इस जैसा रास्ता में आपको गाड़ी का लेफ्ट और राइट साइड का जो जजमेंट है वो बिल्कुल भी सही होना चाहिए, नहीं तो आप किसी से भी भिड़ सकते हो। तो गाड़ी को मैं फ़िलहाल थर्ड गियर में था, गाड़ी को मैं सेकंड गियर में कर लिया। देखो सामने से एक गाड़ी आ रहा था, ठीक है, इस जैसे रास्ते में अगर दो गाड़ी आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है निकलना, क्योंकि लेफ्ट में एक बाइक भी रखा हुआ है, इधर से भी बाइक आ रहा है। तो मैं क्या किया, गाड़ी को पूरा टर्न किया, लेफ्ट में मिरर देखा, राइट में मिरर देखा, और मैं गाड़ी को पूरा कटा के अंदर मैं घुसा लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखते हुए, देखो आगे से रिक्शा आ रहा है, मैं क्या किया, रिक्शा को जाने दिया, अगर रिक्शा और मैं भी घुस गया, दोनों एक साथ घुस गए तो कोई भी निकल नहीं पाएंगे। देखो यहाँ से मैं लेफ्ट में लूँगा और मैं मेन रोड में चढ़ रहा हूँ, हॉर्न बजाया, लेफ्ट राइट में देखे, ऑल मिरर चेक्ड, और मैं गाड़ी को अपना टर्न मैं कर लिया। जब भी आप इस तरह का फ्लाईओवर में जब भी आप गाड़ी चलाओ ना, गाड़ी का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम रखो, क्योंकि ये बेसिकली सिंगल लेन रास्ता है, और भूल से भी ओवरटेक करने का मतलब कोशिश भी करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो उधर से कॉन्टिन्यूसली गाड़ी आ रहा है और हर एक कोई अपना लेन मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन कोई कोई होता है, स्पेशली बाइक और छोटा छोटा जो ऑटोज जो रहता है ना, वो कभी कभी करता है अपना लेन तोड़ के दूसरा लेन में आके ओवरटेक करने का कोशिश करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और जैसे मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, अपने सामने वाला गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए, कभी भी एकदम टेल गेटिंग नहीं करना है। टेल गेटिंग बोले तो एकदम लगा के सटा के गाड़ी चलाना, वो काफ़ी ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि सामने वाला गाड़ी किसी भी कारण से रुक सकता है, लेकिन आपको भी उतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप अपना गाड़ी को रोक सको, ठीक है। देखो ये जैसा एकदम डिवाइडेड इधर दो लेन है, उधर से दो लेन है, इस जैसा लेन में, इस जैसा रोड में आपको क्या करना है, अपना लेन को मेंटेन करते हुए चलना है और कोशिश करना है लेफ्ट लेन में रहना जब भी आप गाड़ी चलाओ, ठीक है। और अगर आपको किसी कारण से ओवरटेक करना पड़े, ठीक है, तो फिर आप राइट वाला लेन पे जाओ। ये शहर के लिए भी लागू होता है, लेकिन हम लोग दरअसल ये सब मानते नहीं हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी बड़ा फ्लॉ होता है। तो चलिए सिग्नल होने दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा वो होता है आपका मिरर, ठीक है। जब भी आप गाड़ी चलाओ शहरों में या फिर यहाँ पर भी आप गाड़ी चलाओ हाईवे में, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका होता है मिरर और सामने का, आपका गाड़ी का सामने 100% आपको फोकस हमेशा रहना है। गाड़ी को कभी भी ओवर स्पीड बिल्कुल भी नहीं करना है, गाड़ी आप आराम से चलाओ, पहले से अपना जो रूट है उसको प्लान कर लो, जो आपको गाड़ी को कौन सा रास्ता से जाना है,
अभी गूगल मैप का आप इस्तेमाल भी कर सकते हो टू फाइंड आउट जो कौन सा रास्ते में आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, कम टाइम आपको लगेगा, तो उसी हिसाब से अपना रास्ते को भी प्लान कर लो, फिर जाके आप अपना टाइम लेके घर से निकलो, क्योंकि रास्ते में निकल के हड़बड़ी करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, जो दूसरे जो मोटरिस्ट है या फिर जो पेडिस्ट्रियन है उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। देखो मैं जैसे मैं बताया, मैं अपना लेफ्ट वाला लेन पकड़ के चल रहा हूँ, सामने वाला सिग्नल दिया हुआ है, फिलहाल गाड़ी का जो मेरा गियर पोजिशन दैट इज़ थर्ड गियर, और जो फिलहाल जो स्पीड है दैट इज़ नियर अबाउट 40 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी आप अगर नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आप देखोगे पीछे से है ना कोई कोई बंदा आपको हॉर्न बजाएगा, मतलब आपको पैनिक कर देगा, लेकिन इस हालत में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अपना जो फोकस है, देखो सामने से बस आ रहा है, मैं पहले से देख लिया था, गाड़ी को मोड़ लिया और मैं निकाल लिया। हाँ, जो मैं जो बता रहा था, बिल्कुल भी पैनिक्ड नहीं होना है, आपको जितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, मैनूवर करने में, आप उतना ही टाइम करो। देखो ये गाड़ी को मैं साइड से छोड़ दिया, ठीक है, इसको जाने दो, जिसको हड़बड़ी है जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, सही मौका मिले, आप उसको साइड छोड़ दो, जाने दो जिसको ज़्यादा हड़बड़ी है। लेकिन आप दूसरा कोई हॉर्न बजा रहा है बोल के अपना हड़बड़ी करके मत गलती कीजिएगा। मैं देखा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा नया जो स्पेशली जो ड्राइवर होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आता है, तो इससे भी बच के चलिए। तो दोस्तों ये सब तो हो गया, रोड में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लेकिन गाड़ी में बैठते हुए आपको जो पहला चीज़ जो करना होता है वो है आपका सीट बेल्ट लगाना। बाकी सब सेफ्टी फीचर्स बाद में आता है, लेकिन पहला जो आता है वो होता है गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, जिसको पहनना मत भूलिएगा। ये सब पुलिस से बचने के लिए नहीं, ये सब अपने सेफ्टी के लिए होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद आप लोग को पता है, आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहना रहते हो, ठीक है, तो आपका जो एयरबैग जो भी है ना वो भी डिप्लॉय नहीं होगा। तो अगर कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो, किसी एक्सीडेंट का सिचुएशन हो और आप सीट बेल्ट लगाए नहीं हो, ठीक है, तो फिर आपका एयरबैग जो रहते हुए भी कोई काम में नहीं आएगा। तो गाड़ी में जब भी बैठो पहला चीज़, ठीक है, वो है सीट बेल्ट लगाओ, और दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको पहले से सेट कर लो, रेडियो जो भी आपको सुनना है, जो भी करना है आप पहले से कर लो, फिर जाके गाड़ी को स्टार्ट करो और आराम से गाड़ी को चलाते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये मेरा नया फ़ोन से जो वीडियो है इसका क्वालिटी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।